राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं है, इस पर टीवी के स्टूडियो में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, मगर उनकी यात्रा जिस तरह से रोकी जा रही है उस पर कोई बात भी नहीं। राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की है और आज वो पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों ने एक बार फिर उनसे सवाल किया कि आखिर कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रही। सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनल एक तरफ हैं, जो कि कुछ सोचते हैं कि आज भी वो उनको लगता है कि जितनी की कांग्रेस के जो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत जान है, वो पूरे देश को चला सकते हैं दोस्तों, उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको हर बार हर चीज में नरेंद्र मोदी की सरकार या यहाँ पर बीजेपी की सरकार में दोस्तों कमियां ही कमियां नजर आती हैं, ढूंढ ढूंढ के वो कमियां निकालते हैं। दोस्तों मेरा मतलब, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हर बार ये सोचना चाहिए कि क्या एक पार्टी में सारे के सारे लोग खराब हो सकते हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे काम खराब हो सकते हैं? उनको देश का विकास नहीं दिखाई देता, उनको उनकी सारी योजनाएं दिखाई नहीं देती, उनको जितना उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया वो कुछ दिखाई नहीं देता। हर बात में दोस्तों ऐसे पक्ष लेकर के आना और जनता को दिखाना कि वो हर बात गलत है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि पार्टियां दो गुटों में बढ़ चुकी हैं, उसी प्रकार से दोस्तों जो मीडिया चैनल है, टीवी चैनल है या जो यूट्यूब चैनल है, ये भी बढ़ चुके हैं। आपको चिल्ला चिल्ला करके लोग हर किसी बात पे बोलते होंगे कि ये नरेंद्र मोदी ने फिर ये गड़बड़ किया, ये खराब किया, वो खराब किया, इसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता। और कुछ लोग दोस्तों कोसते होंगे रात दिन राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी जो कि पूरे देश भर में दोस्तों अभी यात्रा निकाल रहे हैं, कभी यहाँ पैदल चल रहे हैं, कभी वहाँ पैदल चल रहे हैं, कोशिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने का, जो कनेक्शन है लोगों के साथ बनाने का, रिलेशनशिप बिल्डअप करने का, कभी उनको वहाँ के मुख्यमंत्री उनको रोक देते हैं, कभी मंदिर जाने से उनको रोका जाता है, और ये सारी की सारी पार्टियाँ अपना वर्चस्व दिखाने की दौड़ में दोस्तों लगी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों 3C। अब इस कॉन्सेप्ट को शेयर करने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों ये जो मार्केटिंग में जो चीजें होती है, ये सारी की सारी पार्टियां वही मार्केटिंग करती हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए या अपनी पॉलिटिकल लीडर को आगे बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है, सबसे पहला आता है सी, जिसको बोलते हैं आप लोगों को कन्विंस कीजिए। तो दोस्तों लोगों को अपने काम के माध्यम से कन्विंस कीजिए, अपनी बातों के माध्यम से कन्विंस कीजिए, उनको अपने जो प्रॉमिसेस जो आप दिखाते हैं उसके माध्यम से कन्विंस कीजिए, उनको डाटा दिखाइए, उनको आप नंबर्स दिखाइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों किसको किस बात का फर्क पड़ता है, राम मंदिर बनने से क्या किसी हिंदू को फर्क पड़ा या राम मंदिर बनने से किसी मुसलमान को फर्क पड़ा? कल की ही दोस्तों बात है, मैंने एक टैक्सी ली, उस टैक्सी का ड्राइवर सलीम था जो कि मुसलमान था। मैंने उससे पूछा, भाई सब क्या हाल चाल है, कैसे हो? उसने बोला बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर भगवान राम विराजमान हुए, बड़ी खुशी हुई जान करके। लेकिन दोस्तों क्या उस मुसलमान को, क्या उस राम मंदिर से कुछ सारोकार था? मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि उसके मन में कोई नाराजगी थी। दूसरा दोस्तों मैं इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं उसी जगह से वापस लौट रहा था तो दूसरा मेरे को मिला एक टैक्सी वाला जिसका नाम था अनिल, मैंने उससे भी ये सवाल किया था, उसने बोला भाई साहब क्या फर्क पड़ता है मंदिर बने या मस्जिद बने, शाम को हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा हमको उसकी चिंता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई होगी या ठीक से नहीं होगी, स्कूल की फीस भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा मुझे उसकी चिंता है, इस महीने का मेरा बिजली का बिल, मकान का किराया, बाकी जितनी चीजें हैं उसका मैं प्रबंध कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मुझे उसकी चिंता है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने घर से दिल्ली के भारत मंडपम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग आधे घंटे का भाषण दिया और कहा कि 6G की सेवाओं में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और अब भविष्य पूरी तरह भारत का है।
दोस्तों एक नेता का काम होता है कि वो जो लोगों के सपने हैं वो उनको पूरा कराना, उस आत्मविश्वास के साथ को मैं उनको दिखाए कि हाँ मैं तुम्हारे सपनों को पूरा कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस दिन वो नेता ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास लोगों में ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, उस दिन वो सारे लोग उसमें अपना नेता देखने लग जाते हैं। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम ना सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चित्रकूट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां एक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया। इसी के माध्यम से दोस्तों यहां पर चुनाव जीता जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कन्विंस करना, फर्स्ट सी। अब दूसरे सी की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं दोस्तों कन्विंस करने के बाद, जब लोग कन्विंस नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज करना। के दौर में मुगल का चैप्टर हटा देने से इतिहास नहीं बदल जाता है और चैनल पर बैन लगा देने से लोकतंत्र का अंग्रेजी नाम मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रेस की भूमिका, नागरिक के अधिकार, सरकार की आलोचना और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार को एक बार फिर से जो लेक्चर सुनाया है उससे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर को उस इतिहास की चिंता करनी चाहिए जो आने वाले समय में लिखा जाएगा। इसी का दोस्तों उदाहरण है कि बहुत सारे जो चैनल हैं वो लोगों के माध्यम से अपने अपनी बातों के माध्यम से दोस्तों लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। वो ढूंढ ढूंढ करके जो दोस्तों निकाल के लेकर के आते हैं गड़े मुर्दों को कि इस साल में ये हुआ था, आप इस रिपोर्ट को देखिए, उस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी केस स्टडीज होती हैं, ये सारी की सारी केस स्टडी दोस्तों उसी तरीके से होती हैं जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष होता है, जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी होती है और एक विपक्ष पार्टी होती है। एक चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों मैं दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं, मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। मित्रों मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। अखबार बटे हुए हैं, टीवी चैनल बटे हुए हैं, ये जो रिपोर्ट दिखाने वाली जो एजेंसीज हैं वो बटे हुए हैं, तो दोस्तों किस पे विश्वास किया जाए? तो विश्वास दोस्तों आपको उस पे किया जाए जो आपके साथ में दिन प्रतिदिन होता है। आपके आसपास में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपके आसपास में कितना न्याय हो रहा है कितना अन्याय हो रहा है ये आपको दिखाई देता है। आपके बच्चों के लिए एजुकेशन में कुछ आगे तरक्की हुई है या नहीं हुई है वो आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप जहां भी रहते हैं वहां पर अपना आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लोगों को देखिए कि आपको लगता है कि भारत थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना नैरेटिव बनाइए। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान और अगर दिल्ली अपने युवाओं को
रोजगार नहीं देगा। अगर हिंदुस्तान और दिल्ली दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल नहीं बनेगा तो जो आज आपको हिंदुस्तान में हिंसा और नफरत दिख रही है उससे 10 गुना ज्यादा नफरत और हिंसा आपको दिखेगी। राम मंदिर से पूरा देश संवरेगा, राम मंदिर से मेरा देश सोने की चिड़िया बनेगी। अब ऐसा बयान ना दें, मुस्लिम को खुश ना करें, क्योंकि मुस्लिम भी चाहता है श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, और ये गलत सलत बयान ना दें, इससे मुस्लिम खुश होने वाला नहीं है। राम मंदिर से आपको नहीं दिख रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देख लीजिए वो अयोध्या, पहले वाली अयोध्या, आज की अयोध्या देख लीजिए। लगता है यहाँ से विकास की गंगा बहेगी तो देश के कोने कोने तक पहुँचेगी, ये इनको नहीं दिख रहा है। एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की ये बयान देते हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्या वो राम को नहीं मानते हैं? वो राम को नहीं मानते हैं? अगर वो राम को नहीं मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक चैलेंज है और वो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को रोजगार किस प्रकार से दिलवाना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और उस काम के लिए और उस काम को करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को परे करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लाकर, प्यार से एक साथ लाकर वो काम होने वाला है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आकर के कोई एंकर चिल्ला करके आपको बोले कुमार में सवीश कुमार में सुरेश कुमार में महेश कुमार, कोई आकर के बोले कि मैं फलाना शर्मा, कोई ढिमकाना शर्मा, दोस्तों इससे फर्क पड़ता है क्या? इससे केवल एक फर्क जरूर पड़ता है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है, उनका जो टीवी चैनल है, उसकी TRP जरूर आने लग जाती है और उनके पास इससे लोगों का जमावड़ा या हुजूम इकट्ठा होने लगता है, जो शायद कहीं ना कहीं उसी इमोशन को लेकर के अपने दिलो दिमाग में बैठे हैं। और वो जब उस ऐसे एंकर को सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, किसी पार्टी के पक्ष में कभी मत जाइए, अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि क्या वास्तव में पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो भी काम हुए हैं आपको लगते हैं कि क्या वो आपके परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे अड़ोस के लिए, पड़ोस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, टेक्नोलॉजी में या बाकी क्षेत्रों में कुछ तरक्की हुई है? यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। जैसे आसाम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका,
आप सुबह उठो वो नफरत फैलाते हैं और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से कट पैसा निकाल देते हैं। तो ये इनका काम है, देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, काजीरंगा में जमीन ले ली, अब आप वहाँ पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहाँ पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। सर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। अमित शाह के खिलाफ जो भी कहा इसको, इसने इसको दो मिनट में लात मार के भगा देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, ये एक ऐसी समझ है, यदि जिस दिन आप हम डेवलप कर पाए या आप डेवलप कर पाए तो दोस्तों हमको ये फर्क नजर आने लगेगा कि क्या कुछ हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है। क्या वास्तव में ये जो मजहब की बातें करते हैं, ये मजहब की बातें या मंदिर बनने की बात या मस्जिद बनने की बात वास्तव में समाज के उन लोगों को, उस तबके के लोगों को जिनको पता नहीं होता कि कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिनको ये पता नहीं होता कि मेरा ये महीना कैसे जाएगा या मेरा ये साल कैसा जाएगा, दोस्तों उनके लिए वास्तव में ये कुछ फर्क पैदा करता है या नहीं करता है? दोस्तों, मैं आपको इस सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आप इस तरीके के जो जितने भी एंकर हैं, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, आपका नैरेटिव दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के लिए डरने का कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंचती है टकराव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई जगहों पर राहुल की यात्राएं रोकी गई हैं। उनके रास्ते में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शनकारी आ गए, जयराम रमेश की कार पर हमला हुआ, राहुल गांधी की बस पर भी हमला करने का दावा किया गया, यात्रा को झंडे दिखाए गए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जयराम की कार रोकने वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपका नैरेटिव क्या है। हर नेता को पूरा हक है कि वो जनता के पास में जाए, अपने सपनों को लेकर के जाए, वो जनता को विश्वास दिलाए कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज सत्ता रूढ़ जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और दोस्तों जो नेता एक बार चुन करके इस तरीके से आता है वो किसी एक का नेता नहीं होता, वो पूरे देश का नेता होता है, और ये जिम्मेदारी हर उस नागरिक की होती है, हर उस पार्टी के जो नेता है उनकी होती है कि उस नेता का सम्मान करे, क्योंकि वो नेता ही नहीं होता, उस देश का, उस राष्ट्र का दोस्तों चुना गया एक नेता होता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बिल्कुल निष्पक्ष है। यहाँ पर किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में दोस्तों हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपना खुद का नैरेटिव बनाने की और ये तय करने की कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। और दोस्तों, ये जो आप निर्णय लेने की बात करते हैं ये भी दोस्तों समय के अनुसार, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो ये केवल एक नैरेटिव लेकर के बैठना, मैं दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हर आदमी में होते हैं 10-12 आदमी, जब भी किसी को देखिए अलग नजरिए से देखिए। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि हर आदमी में होते हैं 10-12 आदमी, जब भी किसी को देखिए अलग नजरिए से देखिए। खाली एक नैरेटिव किसी के बारे में बनाना कि ये इंसान बहुत गलत है, वो दोस्तों ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे पहलू या पक्ष होते हैं जिसके बारे में शायद मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए, उसके बारे में मंत्रणा करना चाहिए, फिर दोस्तों देखना चाहिए कि हम क्या नैरेटिव हम अपना खुद का बनाते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।